ये है सैमसंग वॉशिंग मशीन है, जिसमें कंपनी का नाम ये यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ। इसमें जो बटन शुरू होते हैं सबसे दाहिनी तरफ, ये वॉश फॉर स्पिन, पानी सेलेक्ट करने का बटन है। यदि वॉश के ऊपर है तो पानी जो है वो वॉश टब, ये नीले ढक्कन के नीचे वॉश टब है उसमें जा रहा है, और यदि इसको हम सरका के स्पिन की तरफ कर देते हैं, यदि लिखा हुआ आता है स्पिन, तो पानी स्पिन टब में से बहता हुआ चला जाएगा। उसके अलावा जो चार बटन हैं वो बटन उसी प्रकार से हैं जैसे पहले वीडियो में दिखाया गया है। पहला बटन जो है वो वॉश सेलेक्ट करने का, भाई वॉश टाइमर, कितना समय में हमें धुलाई करनी है, कि 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 15 मिनट, जो भी वॉश का हमें समय लेना है उसके अनुसार इसको घुमाकर छोड़ देते हैं। दूसरा बटन वॉश सेलेक्टर है, कि किस प्रकार की धुलाई हमें करनी है, कि हमें नॉर्मल धुलाई करनी है या हल्की धुलाई करनी है या हार्ड धुलाई करनी है, उसके अनुसार कपड़े की प्रकृति के अनुसार इसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा तीसरा बटन जो है वो ड्रेन या वॉश का है। ड्रेन का मतलब है कि मशीन को पूरी तरह से खाली करना हो, यदि ये नोब ड्रेन के ऊपर होगी तो इसमें पानी नहीं टिकेगा, वॉश टब में पानी नहीं भरेगा। इसको वॉश के ऊपर करेंगे तभी वॉश टब में पानी भरेगा। और चौथा बटन जो है वो इस स्पिन टब के लिए है, इसको हम टाइम के अनुसार सेट कर देते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितने भी समय हमें स्पिन करनी है यानी कपड़े को सुखाना है उसका ये बटन। ये बटन, इस प्रकार से चार बटन इस मशीन के हैं।